कि हमारे संयुक्त प्रार्थी के रूप में बजरंग महतो जी को दिया गया है, उसका अनाउंस भी हो चुका है और हम सम्मिलित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, हमारे प्रभारी जी से बात हुई है। हम लोग संयुक्त रूप से अभी आगे 7 तारीख को नॉमिनेशन हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें हमारे सभी जो संगठन के नेता है उनका नेता भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे प्रभारी जी रहेंगे, हम लोग तो रहेंगे। सर, कितना आप लोग आशान्वित है रामगढ़ चुनाव को? देखिए, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे इस पर कि अभी कुछ दिनों से लगातार रामगढ़ चुनाव जो है एक हमारे यहाँ जो एक चुनौती भरा हुआ है और बराबर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टी का भी इसमें निगुज आता है। वो खुद कह रहे थे, हम देख रहे थे मीडिया के, कि जो 4 सीट उपचुनाव जीता है उसमें तो वही लोग था, तो यहाँ जो रामगढ़ के चुनाव में हम ही है, गठबंधन का प्रार्थी जीता हुआ था ममता देवी, किस कारण से गया है, जन आंदोलन मिल गया है, लोकतंत्र तरीके से जनता की आवाज उठाने के लिए वो जेल गई है, चलिए वो अलग बात है, लेकिन उनका तो कहना है कि उनकी सीट तो वही लोग जीता है, तो ये भी मेरी सीट थी, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये सीट भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो आया था अभी हाल में बयान, उनका सीट तो लोग जीत लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग सोच भी लिया है कि ये सीट भी हमारी रही है और ये सीट हम जीतेंगे। अभी तक कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये जरूर छात्रों का आक्रोश था, उन्होंने जरूर ऐसी बातें कही थी, लेकिन हमें ये लगता है कि ये आक्रोश जाहिर करने का एक तरीका हो सकता है। छात्रों के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, आने वाला जो विधानसभा का सत्र है उसमें नियोजन नीति में जो भी कमी कहिए, सुधार कहिए, उसको कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से जो यहां की मूल भावना है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही नियोजन नीति लागू की जाएगी। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि यहां के लोगों की मूल भावनाओं का ख्याल रखते हुए नियोजन नीति बने और वो हमने तैयार भी किया था। ठीक है, कई तरह की बातें सामने आती है, क्योंकि आपने देखा है कि पिछली रघुवर दास की सरकार में जितनी भी नियुक्तियां हुई कहीं ना कहीं कोर्ट के कटघरे में खड़ी होती रही, तो अब हमने कहा है अपने मुख्यमंत्री जी से और सरकार के लोगों से कि ऐसी फुल प्रूफ नीति बने जो न कहीं कोर्ट में अटके न कहीं राज्यपाल के पास अटके। 27 तारीख को हम लोगों का विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, उसी में ये बात आएंगे। आपको हम बताना चाहते हैं, किसी भी राजनीतिक दल जब चुनाव जब भी होता है एक से ज्यादा उम्मीदवार होते, एक परिवार से भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन एक ही आदमी को टिकट मिलता है और उसी से चुनाव हम लोग जीता कर लाते हैं, और जो भी वो भी जानता है दावा पेश करना, अपनी बात को रखना, ये लोकतंत्र तरीका है, वो अपना पक्ष रखने की काम किया है, जो हम भी दावेदार है हमको भी टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जो पार्टी ने निर्णय कर दिया वो निर्णय सर्वमान्य होता है और सभी मानकर चलेगा और कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, और ये चुनाव मैंने पहले भी आशावादी हूँ और ये चुनाव हम जीता कर दिखाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।